बाजपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक तरफ प्रशासन सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहा है, तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष गांव में हवन सामग्री और अन्य जड़ी बूटियों के धुएं से कोरोना वायरस को वातावरण से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कोरोना वायरस को वातावरण से समाप्त करने के लिए एक नए तरीके का प्रयोग किया है। इस दौरान राकेश गुप्ता ने गांव महेशपुर में हवन सामग्री और जड़ी बूटियों को एक टीन के डब्बे में भरकर जलाया, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष ने हवन सामग्री और जड़ी बूटियों से निकलने वाले शुद्ध धुएं को गाँव की गलियों से घुमाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नेट पर सर्च किया गया, जिसमें से पता चला कि हवन सामग्री से निकलने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद वायरस का खात्मा होता है, जिसके चलते उनके द्वारा यह कार्य किया गया है। आज हम लोगों ने जो है जिस तरीके से हमें बताया गया था कि घर घर के आगे जो है नीम और कपूर और हवन, आम की लकड़ी और राई और सेंधा नमक और ये सब चीज़ें मिलाने के बाद, घी मिलाने के बाद घर घर के आगे से जलवाओ ताकि धुएं में, हवा में धुआं फैल सके और ये वायरस कहीं ना कहीं कम हो सके। तो उस तरीके को हमने देखते हुए, क्योंकि लोग नहीं कर पाए, हमने जब बोला तो हम लोगों ने खुद ही समाज के सब लोगों ने मिल के जो है उस चीज़ को 5 कनस्तर लेके उसमें आग जला के सब वो सामग्री डाल के और घर घर के आगे धुआं करा ताकि ये वायरस कम हो सके और हमारा गांव सुरक्षित रहे। पीछे करने का भाई जी ये कारण है कि हम लोग अपनी गलतियों को आज भूल चुके हैं, इसीलिए से ये महामारी इतना व्यापक रूप लिए हुए है। हमने अपने लोग भी कई ऐसे खो दिए जिनका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हम YouTube पर निकाल के देखते हैं तो कुछ डॉक्टर्स जो हमारी समझ में आते हैं कि अच्छी सलाह देते हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जो पुरानी पद्धति थी ऋषि मुनियों की, तो वो हवन वगैरह करते थे तो बहुत ज़्यादा विकसित तरीके से करते थे। तो आज जो कोरोना वायरस है वो कोई और वायरस होता होगा, उसे मारने के लिए हवा में धुआँ उड़ाते थे, क्योंकि ऐसी कोई जाली नहीं बनी जो कि इस हवा को छान सके और आज वायरस जो है हवा में फैल रहा है।